अगर मना करे तो कि नहीं हम सारे चले जाएंगे, अब इस पर आगे पढ़ेंगे। जालौर कलेक्टर ने राजकीय विद्यालय का निरीक्षण कर देखी व्यवस्था है। विद्यालय परिसर में लगाए पीपल के पौधे। सायलाकुंड क्षेत्र के भांडपुर में कलेक्टर पूजा पार्थ ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने विद्यार्थियों से बातचीत कर विद्यालय में शिक्षण व्यवस्थाओं व सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। वहीं उनका मनोबल बढ़ाया तथा जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वहीं कलेक्टर पूजा पार्थ ने भांडपुर के राजकीय विद्यालय परिसर में पीपल के पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने वृक्षारोपण महाअभियान के तहत कार्मिकों व विद्यार्थियों को अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर उनकी देखभाल करने की बात कही। इस दौरान उपखंड अधिकारी तारासन वेंकट, तहसीलदार हीर सिंह चारण, BDO गौरव विश्नोई, लाल सिंह भांडपुर, शैलेंद्र सिंह चारण, करनाराम चौधरी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण व कार्मिक उपस्थित रहे। इसमें है ना हेडक्वार्टर पे तो है, लेकिन वहाँ तक ग्रामीणों को साइला हेडक्वार्टर है ना, काफी दूरी पड़ती है और यहाँ संसाधन नहीं है। सर आप देखो पहले तो लगभग ये है कि आप सब साइंस यहाँ बहुत अच्छी बात है कि स्कूल इतना अच्छा बनाया है और आप बता रहे हैं कि यहाँ साइंस फैकल्टी है, तो ये आप सभी बच्चों के लिए एक अच्छा अवसर है कि आप साइंस पढ़े। साइंस में बहुत सारे अवसर हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, नर्सिंग में जा सकते हैं और ग्रेजुएशन करने के बाद जो MBBS होता है उसके बाद भी तमाम दूसरे अवसर हैं, जैसे प्रशासन में अगर आना है तो आप UPSC में जा सकते हैं। तो अगर आप अच्छा पढ़ते हैं तो अवसरों की कोई कमी नहीं है और ये स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा बना रखा है। आप सब बच्चियाँ यहाँ बड़ी संख्या में पढ़ रही है तो अच्छा है। अब ये जैसे बता रहे हैं कि 12th के बाद बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, तो वो नहीं छोड़ना है, आगे पढ़ना है, ठीक है? बिल्कुल, अपने पेरेंट्स को मम्मी पापा को कहना अगर मना करे तो कि नहीं हम सारे चले जाएंगे, अब उस पर आगे पढ़ेंगे। लास्ट